गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे सब कैसे हैं? बच्चे सब ठीक हैं? अच्छे से घर में सुरक्षित और अपना ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? आप अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने से बड़ों का भी, ठीक है? देखिए, कल जो है मैंने आपको चैप्टर जो है 11 नीति के दोहे, कौन से दोहे? नीति के दोहे जो है उसमें जो है एक जो आपको मैंने पैराग्राफ पढ़ाया था, किसका ये पढ़ाया था हमने? कबीर जी का, ठीक है? कल मैंने आपको कबीर जी का जो दोहा पढ़ाए थे उसमें मैंने कहा था कि जो है कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं एक बार संसार में बुरे लोगों को ढूंढने के लिए चला तो मुझे कोई भी बुरा नज़र नहीं आया, बल्कि और फिर मैंने स्वयं में देखा तो मुझ में ही खोट नज़र आई। अर्थात व्यक्ति को जो है स्वयं को देखना चाहिए, दूसरों की बुराई करने से अच्छा है कि स्वयं में जो जितनी भी खोट है, जितनी भी बुरी बातें हैं उनको दूर करना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया था। आज हम रहीम जी के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? रहीम जी के बारे में। देखो रहीम जी, सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ लें। इसके कुछ शब्दार्थ हैं वो भी मैंने लिखे हैं। तो आप जो पहले जो उनका लिखा था तो कबीर जी का, उसके बाद रहीम जी के भी आप लिख लेना, ठीक है? छिटकाए, छिटकाए का अर्थ होता है झटका देकर, छिटका यानी दूर करके, झटका देकर। और तरवर का अर्थ क्या होता है बच्चों? पेड़। तरवर का क्या होता है? पेड़। बापुरो, बापुरो का अर्थ होता है असहाय, बेचारा। मिताई यानी मित्रता, दोस्ती। बड़ाई यानी तारीफ, प्रशंसा। सरोवर, सरोवर का तालाब, सरोवर। बड़लो, महान व्यक्ति। और संचय का मतलब एकत्र करना। संचय का अर्थ क्या होता है बच्चों? एकत्र करना। और सुजान यानी सज्जन व्यक्ति, अच्छे लोग, है ना बच्चों? भले लोग, अच्छे लोग, ठीक है? अब हम देखते हैं ये वाला। अब आप ये ध्यान से देखो, रहीम जी क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, झटका देकर मत तोड़ो। रहीम दास जी कहते हैं रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि जो है आप लोग जो है, रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा, प्रेम रूपी धागा जो है इसको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार प्रेम होता है, प्यार होता है, वो धागे के समान होता है। अगर एक बार धागा टूट जाता है बच्चों तो वो जुड़ता नहीं है। और अगर हम जुड़ने की, उसको जोड़ने की कोशिश भी करते हैं ना, तो फिर हमें गांठ लगाकर जोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार जो है प्रेम रूपी धागा जो है वो भी जो है धागे के समान, प्रेम होता है, प्यार जो होता है, प्रेम जो होता है वो धागे के समान होता है। अगर हम एक बार लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, है ना, और फिर उस दोस्ती को जोड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ती नहीं है। अर्थात जुड़ भी जाए तो फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो दोबारा देखो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जात। रहीमदास जी कहते हैं कि जो ये प्रेम जो है वो धागा रूपी है। जिस प्रकार धागा जो होता है एक बार टूटने पर जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम प्यार भी वही होता है कि एक बार अगर हमारी दोस्ती, अगर प्यार, हमारा प्रेम टूट जाता है तो फिर वो जुड़ता नहीं है। और बड़ी मुश्किल से हम वापस उसमें दोस्ती करना चाहें तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। बच्चों आपको पता है कई बार हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और फिर सोचते हैं दोस्ती कर ले, लेकिन मन में वो बातें जरूर आती है कि इसने मुझे ऐसा कहा था, है ना? कहीं ना कहीं उस दोस्ती में फिर क्या हो जाता है, कमी रह जाती है। इसलिए जो है धागे रूपी प्रेम जो है, धागा रूपी है प्रेम, और जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाता है तो जुड़ता नहीं और उसमें गांठ पड़ जाती है अगर जुड़े, उसी प्रकार प्रेम भी ऐसा है कि जो है अगर जुड़ा रहता है तो जुड़ा रहता है, अगर एक बार टूट जाता है तो बच्चों जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़े तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, ठीक है? अब दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं रहीमदास जी। देखो कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल,
हीर रहीमन हीरा कब कहे लाख मारो मोल। क्या कह रहे रहीमदास जी, दोबारा सुनिए। बड़े बड़ाई ना करे, जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते, अपने बारे में कभी भी अच्छा नहीं बोलते, बड़ा यानी अपनी कभी भी तारीफ नहीं करते हैं। रहीमन हीरा कब कहे लाख मार मोल, जिस प्रकार जो है अमूल्य हीरा जो होता है वो कब कहता है कि मैं बहुत मूल्यवान हूँ, है ना, तो उसको तो हम देखकर पता कर हम उसको देखकर पता करते कि हीरा है या पत्थर है ना। तो उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते, अपनी कभी भी तारीफ नहीं करते हैं, कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। जिस प्रकार हीरा जो है स्वयं ये नहीं कहता है कि मैं हीरा हूँ, क्योंकि उसका तो मूल्य बताता है। जब हम हीरा खरीदेंगे तो बहुत कीमती होता है, बहुत महंगा होता है, तो इस प्रकार में पता चल जाता है कि वो हीरा है, अर्थात उसका वो इतना महंगा है, उसका कार्य इतना अच्छा है। उसी प्रकार जो अच्छा व्यक्ति होता है वो कभी भी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता, कभी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता है, उसके तो अच्छे गुणों के कारण हम स्वयं पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखिए, एक है कि जो है सब कई लोग, मैंने आपको कितनी बार कहा हमें परोपकार भला करना चाहिए, है ना। जिस प्रकार देखो इस प्रकृति ने हमें कितनी सारी चीजें दी है, ये पेड़ है ना, ये तालाब है ना, ये मेघ है ना, तो ये सारी चीज किसी न सब ने कुछ ना कुछ हमें दिया है। जिस प्रकार तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, अर्थात इसमें क्या कहा है, रंग जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते हैं, और सरोवर, सरोवर का मैंने आपको क्या बताया, तालाब, सरोवर कभी भी अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार कह रहीम पर काज हित, कह रहीम पर काज, पर काज का मतलब दूसरों के हित यानी भला। इसी प्रकार जो महान व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे लोग जो होते हैं, वो दूसरों का भला करने के लिए अपनी क्या है, संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, एकत्र करते हैं। जो सुजान व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो दूसरों का भला करने के लिए संपत्ति को एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जिस प्रकार जो है तरवर फल नहीं खाते, जिस प्रकार वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं बच्चों, और सरोवर यानी तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार जो अच्छे लोग जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो वो दूसरों का भला करने के लिए संपत्ति को एकत्र करते हैं, वो स्वयं के लिए नहीं करते हैं, वो दूसरों का भला करने के लिए संपत्ति एकत्र करते हैं ताकि किसी को जरूरत पड़े तो उसको दे सके। तो अच्छे लोग महान व्यक्ति वही होते हैं जो दूसरों का भला करते हैं, है ना बच्चों, जो दूसरों का भला करते हैं वो कैसे व्यक्ति होते हैं, वो महान व्यक्ति होते हैं। आगे देखिए, जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कौन से लोग, अभी अभी मैंने बताया बड़े लोग कौन से होते हैं, जो गरीब पर हित करे, जो गरीबों पर दया करे, गरीबों का भला करे, वही कैसे लोग होते हैं बच्चों, बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, भले लोग होते हैं। कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो, आपको बताएं कि कैसे जो है इतने गरीब बेचारे जो सुदामा जो थे, इतने गरीब थे, फिर भी उनकी किससे मित्रता हो गई, भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण ने उसके अच्छे कार्यों के द्वारा, उसके अच्छे कार्य के द्वारा उनसे क्या कर ली बच्चों, मित्रता करी। जो गरीब पर हित करे, जो गरीबों का भला करते हैं, गरीबों पर दया करते हैं, ते रहीम बड़ लोग, और वे ही कैसे लोग कहलाते हैं, महान व्यक्ति कहलाते हैं। जो गरीबों का, जो दुखियों का भला करते हैं, दुखियों का दुख दर्द जो है उसको दूर करते हैं, वही महान व्यक्ति होते हैं, वही बड़े लोग होते हैं। देखो कहाँ तो वो सुदामा जी थे, इतने गरीब, जिस सुदामा, इतने गरीब सुदामा की मित्रता श्री कृष्ण से हो गई, उसी प्रकार जो है बड़े लोग जो है, जो अच्छे लोग जो होते हैं, वो गरीबों पर क्या करते हैं, दया करते हैं। एक बार दोबारा देखो, मैं दोबारा बताती हूँ सारी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो धागे रूपी प्रेम है इसको कभी मत तोड़ो, ये धागा रूपी प्रेम जो है
इसको कभी मत तोड़ो, क्योंकि अगर धागा अगर एक बार टूट जाता है बच्चों तो फिर वो जो है जुड़ता नहीं है, और अगर हम उसको जोड़ते भी हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम भी ऐसा ही होता है कि अगर एक बार जो है प्रेम प्यार हमारा टूट जाता है ना, हमारे दिलों में नफरत भर जाती है और उसके बाद हम उसे वापस जोड़ना चाहे तो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। इसलिए जो है हमें प्रेम रूपी धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, कभी झटका देकर दूर नहीं करना चाहिए, अपने लोगों से कभी दूर नहीं होना चाहिए। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीम मन हीरा कब कहे ला कमारे बोल। रहीम जी कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो कभी अपनी भलाई प्रशंसा नहीं करते, कभी अपनी तारीफ नहीं करते हैं कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा कभी नहीं करते हैं। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं बच्चों, हमें उनकी बातों से उनके कार्य से हमें पता चल जाता है कि अच्छा है। आज मैं तुम्हारे साथ बुरा करूँ और एक व्यक्ति आप अच्छा करे तो आप फौरन पहचान लोगे कि जो ये तो बहुत अच्छा है और ये बहुत बुरा है। तो इसलिए हम खुद उनके कार्यों से ही पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। तो इसलिए रहीम जी कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ कभी नहीं करते हैं। जिस प्रकार हीरा कब कहता है कि जो है मैं अमूल्य हूँ, उसके तो हम जो है जब हम उसको लेने जाते हैं उसका मूल्य देखते हैं तो महंगा लगता है, तब हमें पता चलता है हीरा। तो उसी प्रकार जो है बड़े लोग भी जो होते हैं वो कभी भी अपनी बोली अपने आप नहीं बोलते कि हम बड़े हैं। ठीक है, आगे देखिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पानी। ये सूर्य भगवान, ये सूर्य हमें क्या देते हैं, प्रकाश देते हैं, है ना, उजाला देते हैं। अगर सूर्य से निकले तो ये उजाला ना हो, चांद ना निकले तो चांदनी ना हो, चांद हमें चांदनी ना दे, है ना, अगर पेड़ हमें फल ना दे, है ना, अगर सरोवर तालाब या हमें पानी ना दे, ये सब दूसरों का भला करते हैं। उसी प्रकार ये प्रकृति जो है ये हमेशा दूसरों का भला करते हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, दूसरों का भला। तो जिस प्रकार तरवर फल नहीं खाता है, अर्थात पेड़ जो है कभी अपने फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिया न पान, और सरोवर यानी तालाब जो है कभी भी अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार कह रहीम पर काज हित। उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, वो संपत्ति को एकत्र करते हैं ना, वो काय के लिए, दूसरों का भला करने के लिए। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। जो सुजान लोग होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों का भला करने के लिए संपत्ति को एकत्र करते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक आपको बताए, आप मैंने आपको अभी बताया था, जिस एक जो है सुदामा तो बच्चों बहुत गरीब थे, और कृष्ण भगवान तो स्वयं भगवान थे, है ना, तो वो कितने गरीब थे, लेकिन उनके अच्छे कार्यों से, है ना, और जब भगवान ने कभी भी ये नहीं दिखाया कि मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, उन्होंने क्या किया, उसको अपना दोस्त बनाया और अपने समान समझा, और उसको अपने समान ही क्या दिया, सब कुछ दिए, सब कुछ अधिकार दिए जो उनके पास थे। जो गरीब पर हित करे, जो गरीब पर हित करे, अच्छा जो गरीबों का भला करते हैं, ते रहीम बड़े लोग, उसी व्यक्ति को हम बड़े कहते हैं, वे ही बड़े लोग होते हैं। बच्चों अगर आप अगर कोई बड़ा व्यक्ति भी किसी का भला नहीं करे तो हमें कैसे पता चलेगा कि भला व्यक्ति है, ये बड़ा व्यक्ति है ना, है ना। तो इसलिए अगर अमीर जो है, जो अच्छे लोग हैं, अगर गरीबों पर दया करे तभी हम करेंगे कि ये बड़े व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं। तो जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोग वही होते हैं जो दूसरों का भला करते हैं, जो गरीबों का भला करते हैं वही बड़े लोग होते हैं। जिस प्रकार कहाँ तो भगवान श्री कृष्ण और कहाँ सुदामा, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने उनसे क्या करी, मित्रता करी, और उसको अपने समानी वो सब कुछ दिया जो श्री कृष्ण भगवान के पास था, है ना। ऐसे महान व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जो है, जिन्होंने किससे मित्रता करी, एक गरीब सुदामा से, ठीक है, और उसके जितने भी दुख थे वो सारे दूर कर दिए, उसके अपने समान ही उसको सब कुछ दी, सुविधाएं दी। ठीक है बच्चों, तो वही बड़े लोग होते हैं जो गरीबों का भला करते हैं, जैसे कि हमारे श्री कृष्ण भगवान और सुदामा। बच्चों आपको एक बात बताऊं, हम टीवी पर जो है बहुत अच्छे अच्छे ऐसे आते हैं सीरियल, भगवान जी का आता है, कृष्ण भगवान जी का आता है, सुदामा का आता है,
बहुत सारे ऐसे महान व्यक्तियों के आते हैं, उनको हमें देखना चाहिए और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने आपको ये शब्दार्थ लिख दिए हैं। ये इस वाले, ये जो दो हैं रेंज के, ये वाले शब्दार्थ हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो आप, बुक है तो ये मत उतारना, सब शब्दार्थ लिख देना। अगर बुक नहीं है बच्चों तो आप ये उतार के और ये भी लिख सकते हो। ठीक है, शब्दार्थ लिख लेना। और जो है इसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं, जो बच्चों इसके छोटे प्रश्न मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में दिए थे, एक बार फिर बता देती हूँ कि गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है। गोविंद से बड़ा गुरु को बताया गया है। बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है, किससे हमने बड़े लोगों की तुलना की है, हीरे से। बड़े व्यक्ति की तुलना हम किससे करें, हीरे से, कि बड़ा व्यक्ति वही हीरे के समान ही होता है, क्योंकि हीरा कभी अपना मूल्य नहीं कहता कि मैं इतना महंगा हूँ। उसी प्रकार बड़ा व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ, है ना। ठीक है, कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई थी, कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई थी। किसके साथ, सुदामा के साथ, कि सुदामा बेचारा तो इतना गरीब था, है ना, और कृष्ण भगवान तो स्वयं भगवान इतने अमीर थे, फिर भी उन्होंने सुदामा से मित्रता निभाई जीवन तक, है ना, उससे मित्रता की और हमेशा के लिए निभाई। ठीक है, तो इसके बाद जो है मैं आपको एक बार बताती हूँ, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे। अब मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुने, सही उत्तर का क्रमाक्षर छाट कर कोष्टक में लिखे। अब ध्यान से सुनो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई का आशय है। जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे बुरे ही बुरे मिले, गलत, कोई बुरा नहीं मिला, ये वाला सही आएगा। कुछ बुरे कुछ भले मिले, ये भी गलत, सब भले ही भले मिले, ये भी गलत। बुरा जो देखन मैं चला, इसमें ये वाला सही आएगा, मुझे कोई बुरा नहीं मिला। ठीक है, अब एक और है, बड़े बड़ाई ना करे, दोहे में हीरा अपना महत्व यानी मूल्य इसलिए नहीं बताता क्योंकि वह बोल नहीं सकता है या उसे अपना मूल्य मालूम नहीं है, ये भी गलत, ये वाला आएगा इसमें, न बताना बड़प्पन की निशानी है। बड़ा व्यक्ति कब कहलाया जाएगा, जब वो स्वयं ये नहीं बोले कि मैं बड़ा हूँ, आज मैं अपने बारे में कहूँ मैं ऐसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो लोग कहेंगे तो अपने अपने बारे में ही बोल रहे हैं, हमारे बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रही है मैम, तो फिर मैं बड़ी नहीं कहलाऊँगी बच्चों। हम जो है अपने अच्छे कार्यों के द्वारा ही अच्छे माने जाएंगे, और जो है स्वयं कहने से अच्छे नहीं होते, तो न बताना बड़प्पन की निशानी है। ठीक है, आप एक और आ रहे ये प्रश्न उत्तर, दोहे लिख कर बताएं, इसमें दोहा लिखना है बच्चे, आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी क्योंकि इसमें एक साथ हो जाएगा, तो आप इसका पहले लेक्चर में मैंने आपको शब्दार्थ और ये पैराग्राफ कबीर जी वाला दिया था, दूसरा जो आपका लेक्चर चल रहा है इसमें मैंने आपको रहीम जी का और फिर शब्दार्थ दिए हैं, और आप छोटे प्रश्न के साथ लिखोगे ये वाले, गोविंद से बड़ा किससे बताया गया है, अगर आपने लिख लिए तो दोबारा नहीं लिखेंगे, और ये जो मैंने दो प्रश्न बताए ये बुक में लगा लेना बच्चों। आप बुक वाला वर्क बुक में लगाया करो, उसमें क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुक में बस राइट और रॉन्ग लगाना है, तो आप इस पर लगा सकते हो, तो बुक वाला काम बुक में कर लेना, बाकी जो मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करती हूँ वो कॉपी में करना है, तो वो वाले मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू, खुश रहिए।